आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की मसालेदार खास्ता कचौड़ियाँ, जो घर पे बहुत आसानी से बन जाती है और आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी और खास्ता कचौड़ियाँ बनती है, जिसे हमने मीठी खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल को भिगो देंगे। तो ये हमने इस कप से 1 कप उड़द की दाल को 2 घंटे के लिए धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके भिगोना है। तो इसे हम धोकर साफ़ करके इसे 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। और हमने इसे धो लिया है, ये देखिए। इसमें हम साफ़ पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे। और इधर हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 1 कटोरी आटा, गेहूं का ये आटा है, ये डालेंगे। इसके साथ 1/2 कटोरी मैदा डालेंगे। आप किसी भी बर्तन से नाप सकते हैं, या फिर कप से नाप लीजिए या कटोरी से। और इसके साथ हम 1/2 कप सूजी डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से, हरी मिर्च कटी हुई 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। और इसके साथ 1/2 चम्मच जीरा, और ये हींग है तो इसे भी डाल देंगे। और इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये मसाले को हमने आटे में डालकर तैयार कर लिया है। और इधर हम जार लेंगे, जो हमने दाल भिगो के रखा था वो दाल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस दाल को मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे दरदरा, इसे बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा पीसना है। तो दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए, दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। तो जो आटा हमने मसाले को डाल के तैयार किया है, इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और इसमें हम रिफाइंड ऑयल का मोइन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। मसाला, आटा, रिफाइंड ऑयल का जो मोइन डाले हैं सारी चीज़ों को, और ये जो दाल हमने पीसा था इसको इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से हम गूंद लेंगे, जिस तरह से आप कचौड़ियों के लिए आटा गूंदते हैं। और इसे हम सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे, इसका हम हार्ड डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम हार्ड आटा लगाएंगे, क्योंकि कचौड़ी की आटा थोड़ी सी हार्ड गुनी जाती है, तो इसका हम हार्ड आटा लगाएंगे। और ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से अब गुन चुका है, तो हम तेल लगाकर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हाथों में इस तरह से। ये आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से कचौड़ियों की आटा गुन चुका है। इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। और ये आटा अब हमने इसे ढक के रख दिया था, ये बिल्कुल तैयार है कचौड़ियों के लिए। तो इसे हाथों से इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, जितने भी बड़े साइज की बनानी है आपको वैसे ये छोटे साइज की कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती है और खास्ता भी बन जाती है। तो इस तरह से इसे बेल लेंगे, इतने बड़े साइज की छोटी छोटी कचौड़ियाँ हम बेल लेंगे इस तरह से। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई भी सूखा आटा हम नहीं लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल लगाकर
हल्का सा इसे बेलेंगे। अब हम इन कचौड़ियों को तल लेंगे, जिसके लिए हमने गैस पे एक पैन में पहले से रिफाइंड ऑयल चढ़ा के रखा है और तेल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। तो हम अब कचौड़ियों को इस तरह से तल लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे कि कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खास्ती और फूली फूली बनेगी। और ये देखिए कचौड़ी हमारी बिल्कुल फूल चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा खास्ता और बहुत टेस्टी कचौड़ी बनती है। आप इस तरह से एक बार घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसे शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो इन सारी कचौड़ियों को इसी तरह तल लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। बाकी सारी कचौड़ियों को इसी तरह हम तल लेंगे, इसे पलट लेंगे और ये बिल्कुल फूली फूली खास्ती कचौड़ी बन चुकी है। तो इसे हम सर्व करके आपको दिखाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। और ये हमारी सारी कचौड़ियाँ तैयार है। तो आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, ये आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर कोई गेस्ट आए तो उसे भी खिला सकते हैं। आप इस तरह से एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी रेसिपी है और फटाफट बनने वाली। तो अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।